नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयपाल यादव है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बक्सवाहा नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पेड़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई होने वाली है। और आज हम जानेंगे कि बक्सवाहा के अंदर इन अनगिनत पेड़ों की कटाई क्यों होने वाली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना नाम की एक जगह है, जहाँ पर हीरे की खदानें हैं, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आम जनता को या कंपनियों को ज़मीन लीज पे दी जाती है हीरे का खनन करने के लिए। बिल्कुल उसी कड़ी में 2003 से 2007 में एक सर्वे करवाया गया, जिसमें पाया गया कि पन्ना के पास ही बक्सवाहा जगह पर ज़मीन के अंदर असीमित मात्रा के अंदर, बहुत अधिक मात्रा के अंदर हीरे छुपे हुए हैं। जैसा कि हमें पता है, पन्ना के अंदर लगभग 22 लाख कैरेट डायमंड होने की संभावना है, जिसमें से लगभग 13 लाख कैरेट डायमंड हम निकाल चुके, और जो डायमंड बचा हुआ है वो कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बक्सवाहा नाम की जगह माइनिंग स्टार्ट करने का विचार बनाया, और ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के द्वारा सर्वे करवा करके उसी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को खनन करने का कार्य सौंप दिया गया। अब बात आती है कि जिस स्थान पर ये हीरे छपे हुए हैं, बक्सवाहा पे जो हीरे छपे हुए हैं, इसके ऊपर क्या है? इस स्थान पर गहन जंगल है, लाखों पेड़ पौधे हैं और लाखों वन्य प्राणी यहाँ पर निवास करते हैं। अगर इन लाखों पेड़ों को काटा गया, 2 लाख से अधिक पेड़ हैं, इन पेड़ों को यहाँ से काटा गया, तो सारे के सारे वन्य प्राणी, सारे के सारे वन्य जीव बेघर हो जाएंगे। जबकि हमें पता है कि पन्ना से भी 15 गुना अधिक हीरे इस स्थान पर छुपे हुए हैं। जब हमने सर्वे करवाया गया बक्सवाहा के अंदर, तो यहाँ पे बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम हमें प्राप्त हुए, और पता चला कि कितनी मात्रा में यहाँ पे हीरा छुपा हुआ है। और इस सर्वे से पता चला कि बक्सवाहा के अंदर पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरा उपलब्ध है। जमीन के अंदर, जमीन की तह के नीचे पन्ना से भी 15 गुना हीरा जमीन के अंदर मौजूद है। यानी कि हम कह सकते हैं 3 करोड़ 42 लाख कैरेट डायमंड, इस सर्वे से हमें पता चला कि 3 करोड़ 42 लाख कैरेट डायमंड वहां पे जमीन के अंदर उपस्थित है। यह सर्वे 2003 से 2005 के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी है, जिसका नाम है रियो टिंटो, उसके द्वारा करवाया गया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने रियो टिंटो को ही यह माइनिंग करने के लिए पेशकश की, जिसके बाद रियो टिंटो ने 2007 से लेकर के 2010 में एक अपना प्रोजेक्ट चलाया, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, जिसके तहत उन्होंने खदान का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस कंपनी ने गवर्नमेंट से कहा कि हमें खदान करने के लिए, खदान को, हीरे को निकालने के लिए लगभग 11 लाख पेड़ काटने होंगे, जिस पर एमपी गवर्नमेंट का और इस कंपनी का शायद रुख नहीं बना, या इस कंपनी को लगा कि बहुत समय लग जाएगा इंडिया गवर्नमेंट से यह परमिशन लेने के लिए, इतने पेड़ों काटने के लिए परमिशन लेने के लिए बहुत समय लग जाएगा, और वो कंपनी बैक कर गई। उसके बाद 2019 में एमपी गवर्नमेंट ने दोबारा से बक्सवाहा की जमीन की बोली लगाई, जिसमें मुख्य दो बड़ी बड़ी कंपनियों ने भाग लिया, एक अडानी ग्रुप और दूसरा आदित्य बिड़ला ग्रुप। तो आदित्य बिड़ला ग्रुप की एसएल माइनिंग नाम की कंपनी ने यह बिड जीत ली, और 55,000 करोड़ में यह लीज उन्होंने छुड़वा ली, जो कि गवर्नमेंट को 42% रॉयल्टी देने वाली थी, जो कि लगभग 23,000 करोड़ होती है। मींस एसएल माइनिंग्स ने 55,000 करोड़ के अंदर ये लीज अपने नाम कर ली, जिसका 42% रॉयल्टी यानी कि लगभग 23,000 करोड़ गवर्नमेंट को देने वाली थी। अब इतना बड़ा रिवेन्यू देख करके गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी कि वहां पे हीरे को बाहर निकाला जाए।
और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 62.64 हेक्टेयर जमीन की लीज इस कंपनी को दे दी, इस एसएलएस माइनिंग को यह लीज दे दी। और एसएलएस माइनिंग को खादान को निकालने के लिए, काम जारी करने के लिए आदेश पारित कर दिए। लेकिन एसएलएस माइनिंग कंपनी ने क्या कहा कि उन्हें लगभग 382.131 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, क्योंकि 205 हेक्टेयर जमीन जो मलबा निकलेगा, जो मिट्टी निकलेगी उसको डालने के लिए उसको चाहिए। यानी कुल मिलाकर के 382.131 हेक्टेयर जमीन, इस जमीन पर इस समय बहुत भारी जंगल उपस्थित है, लाखों पेड़ पौधे हैं, लाखों जीव जंतु हैं, बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां वहां पे उपस्थित हैं। और ये प्रजातियां, ये पेड़ पौधे एक दिन के नहीं है, 10 साल के भी नहीं है, 100 साल के भी नहीं है, हजारों लाखों वर्ष से हमारा इकोसिस्टम तैयार हुआ है। इतने पेड़ पौधे जो बहुत ही लाखों वर्षों से नई नई प्रजातियों के रूप में उभर कर आए हैं और हमारे इकोसिस्टम को उन्होंने बना के रखा है। उसी इकोसिस्टम के बदौलत आज हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, इतने जीव जंतु वहां पर निवास करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पर रहते हैं, करोड़ों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दैट प्लेस। और उस स्थान को गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट डायमंड निकालने के लिए, हीरे की खादान, हीरे निकालने के लिए गवर्नमेंट ने जमीन को लीज पे दे दिया। अगर गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दिया तो वहां पर लगभग 215,875 पेड़ पौधों की कटाई होने वाली है। और ये 215,875 पेड़ पौधे कितने जीवों को कितनी ऑक्सीजन हमें सालाना देते हैं, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और इन 215,875 पेड़ पौधों को वापस से इस स्थान पर लाने के लिए हमें कई सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे और उसकी कोई निश्चितता भी नहीं है कि इतने पेड़ पौधे हम तैयार कर भी पाए या नहीं कर पाए। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सभी देशवासी, सभी साथी इसका विरोध करें। अभी कोरोना काल में हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए देश में मारामारी मच रही है और हमारे पास उपस्थित उस ऑक्सीजन को छोड़ करके उस ऑक्सीजन को हम काटने लग रहे हैं। एक तरफ तो ऑक्सीजन को हम पैसे खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसको हम भवा रहे हैं, जो कि जीवन में कभी भी हमें नहीं मिलने वाली। अभी आप सभी साथी बताएं, अगर आदमी ही नहीं रहेंगे तो वो डायमंड, वो हीरे की अंगूठा कौन पहनेगा, हमारे क्या काम वो डायमंड। सबसे मूल्य हमारा जीवन है और हमारा जीवन सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधों, सभी के समन्वय से, सभी के साथ से बनता है। एक बात मैं आपको और ताजा जानकारी के लिए कि इस जंगल के अंदर बहुत सारी अनमोल, बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियां, सागवान है, पीपल है, जामुन है और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ हजारों वन्य प्राणी हैं, वहां पे हिरण है वहां पे। इसके साथ ही जो बुंदेलखंड, बिल्कुल बगल में जगह है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में लोग पानी की बहुत कमी है, खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं है वहां पर। जब खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक पेड़ उखाड़ेंगे तो 10 पेड़ लगा देंगे, उस एक पेड़ लगाने, 10 पेड़ लगाने के लिए पानी कहां से लाएंगे। वहां पे इस समय जो जल बारिश का वार्षिक स्तर है वो भी बहुत कम है। बुंदेलखंड के अंदर पीने के लिए पानी के लिए लोग तरसते हैं, खेती बाड़ी के लिए लोग तरसते हैं। और उस स्थान के ऊपर अगर बंजर हो जाए, प्रकृति ने जो जंगल वहां पे खड़ा किया, इकोसिस्टम का एक बैलेंस बना रखा है सभी जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति ने जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं, हम उन सभी सुविधाओं को खत्म करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि यह जो आज का हमारा चर्चा का विषय था, यह सभी लोगों को फॉरवर्ड करें और अपने सभी साथी मिलकर आवाज उठाएं और इन जंगलों को कटने से बचाएं। थैंक यू।